Hello everyone, welcome back to my channel that is Soumya Law and Beans. So today we are with another topic और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट चैप्टर 16. ओके, चैप्टर 16 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे सेक्शंस 204 टू 210 तक में दे रखा है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 204 विच सेज अबाउट इशू ऑफ प्रोसेस. ओके, इशू ऑफ प्रोसेस. सो बेसिकली जो सेक्शन 204 है हमारा, इट स्टेट्स दैट इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स अवेलेबल एंड इन द केस अपीयर्स टू बी, मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट की नज़र में जो जब वो कॉग्निजेंस ले रहा है ऑफेंस का एंड ही थिंक्स दैट वहाँ पे प्रॉपर ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग्स करने के, तब वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस का. बट अलग अलग तरीका होगा फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस. इफ इट इज़ अ समन केस what will happen, and then if it is a warrant case what will happen. In summon case he must issue summons for the attendance of the accused. Wo summon issue karega accused ke attendance ke liye. What will happen in warrant case is that if he thinks fit then he may issue a warrant or a summon. Matlab warrant case mein he can issue a summon as well as warrant. ठीक है, उसकी जो मर्जी वो ही कैन इशू दैट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही फील्स लाइक. इधर ही कैन इशू वॉरेंट, ही कैन इशू अ समन. ठीक है, फॉर कॉजिंग द अक्यूज टू बी ब्रॉट और टू अपीयर एट अ सर्टन टाइम बिफोर सच मजिस्ट्रेट और इफ हैज़ नो ज्यूरिसडिक्शन हिमसेल्फ सम अदर मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द मैटर. ओके, तो इस केस में ही कैन समन दैट पर्टिकुलर अक्यूज और ही कैन गिव वॉरेंट दैट पर्टिकुलर अक्यूज और ही से उस पर्टिकुलर अक्यूज को कि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो. अगर उसके पास इस चीज़ का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है देन इन दैट सर्कमस्टांस he will give the jurisdiction to the magistrate who he will forward the matter to the magistrate who has the jurisdiction of that case. Okay, moreover no summon or warrant can be issued against the accused under this section unless a list of prosecution witness has been filed. कोई भी समन या वारंट इशू नहीं हो सकता है किसी भी अक्यूज्ड के अगेंस्ट अनलेस अनटिल उस बंदे ने एक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस को फाइल ना किया हो. इनफैक्ट अगर कोई भी प्रोसेस फी अगर देना है या फिर कोई भी प्रोसेस फीस पेबल अगर वो पेड नहीं होता है तो उस सिचुएशन में भी जो मजिस्ट्रेट होगा ही कैन डिसमिस द कंप्लेन. ओके, सो इसमें बेसिकली दो केसेस आप नोट डाउन कर सकते हैं. एक केस है अदालत प्रसाद वर्सेज रूप लाल जिंदल. ओके, अदालत प्रसाद वर्सेज रूपलाल जिंदल का केस है जिसमें कहा गया था कि जो ऑर्डर बाय मजिस्ट्रेट कोई भी जो ऑर्डर दे रहे हैं इट कान बी रीकंसीडर्ड एंड रीअपील्ड. ओके, एंड देर इज अनदर केस यू कैन नोट इट डाउन इज ऑफ नुपुर तलवार वर्सेज सीबीआई 2012. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट मजिस्ट्रेट डज नॉट नीड टू मेंशन डिटेल्ड ऑर्डर्स कि ईच एंड एवरी डिटेल ही डज नॉट नीड टू मेंशन. सो बेसिकली टू केसेस है, प्लीज नोट इट डाउन. Okay, so moving forward to section 205, this section says magistrate may dispense with personal attendance of accused. इस सेक्शन को बेसिकली हमने दो क्लॉज में बांटा. इस सेक्शन में ये कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है एंड ही थिंक्स देयर आर प्रॉपर रीजंस कि वो डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज का, देन ही कैन परमिट दैट पर्टिकुलर अक्यूज कि वो अपीयर हो अपने प्लीडर के थ्रू, दैट ही कैन अपीयर बाय हिज प्लीडर. बट अगर जो मजिस्ट्रेट है उसको ये लगता है इंक्वायरी के टाइम पे या फिर ड्यूरिंग द ट्रायल इफ ही थिंक्स दैट He needs the attendance of that particular accused. उसको personal attendance चाहिए. Then in that circumstances, वो he can call for the attendance in the any manner provided in this code. So this is given in section 205. Now moving towards section 206. Okay, this one is quite lengthy. So I have basically divided into few points so that it can be easy for you to understand. Okay, so section 206 says special summon in case of petty offences. Petty offences के case में कब कब special summons हम देते हैं. ठीक है, तो an analysis of this section will bring out the following points.
ठीक है, द सेक्शन इज एप्लीकेबल इन सच केसेस, किन सारे केसेस में ये एप्लीकेबल है. फर्स्ट, वेयर द ऑफेंस एलिज्ड इज पनिशेबल ओनली विद द फाइन अप टू 1,000 रुपीज़. जब इट इज पनिशेबल ओनली विद द फाइन अप टू 1,000 रुपीज़, देन इन दैट सर्कमस्टांस. अनदर, जब ये ऑफेंस जो है इट इज़ कंपाउंडेबल, इट इज़ कंपाउंडेबल एंड इट इज़ अंडर सेक्शन 320, और ये पनिशेबल है विद एटलीस्ट 3 महीने की सज़ा, विद एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल्सो फाइन. तो उस सिचुएशन में एंड ऑल्सो जो मजिस्ट्रेट है हु इज़ एम्पावर्ड बाई द यू नो स्टेट गवर्नमेंट, उसको ये लगता है कि टू एक्सरसाइज इज पावर, इट्स सच ऑफेंस तभी हो पाएगा कि जब द इम्पोजिशन ऑफ फाइन ओनली वुड मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, कि जब फाइन इम्पोज करेंगे देन ओनली इट विल मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, देन इन दैट सर्कमस्टांसिस हम स्पेशल समन इशू किया जाएगा. ओके, नंबर थर्ड इज एप्लीकेबल ओनली इन सच केसेज वेयर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन दैट द केस मे बी समरली डिस्पोज ऑफ अंडर 260 और 261. जब केस जो है इट कैन बी डिस्पोज ऑफ, समरली डिस्पोज ऑफ अंडर सेक्शन 260 और 261 के अंदर डिस्पोज किया जा सकता है तब. नेक्स्ट इज अगर ये दोनों कंडीशन और ऊपर की जितने भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो भी जाते हैं, बट अगर मजिस्ट्रेट है उसको ये लगता है कि यू नो कि स्पेशल समन इशू नहीं करना चाहिए, मजिस्ट्रेट इज नॉट इन फेवर ऑफ इशूइंग अ स्पेशल समन, तो वो इशू नहीं करेगा इन दैट सर्कमस्टांस. ओके, दिस वॉज कि वो जब नहीं करेगा. नेक्स्ट इज द स्पेशल समन प्रोसीजर विल नॉट अप्लाई इन अ केस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988. जहाँ पे ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, उस सिचुएशन में स्पेशल समन इशू नहीं किया जाएगा. या फिर कोई भी दूसरे लॉ के अंदर विच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज पर्सन और इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी, उसके एब्सेंस में जब वो गिल्टी प्लीड कर रहा है, इन दैट सर्कमस्टांस. ओके, नेक्स्ट इज द समन गिव्स अ चॉइस टू द अक्यूज पर्सन. समन बेसिकली गिव्स 3 choices टू द अक्यूज पर्सन. फर्स्ट, टू अपियर इन पर्सन. सेकेंड, टू अपियर बाय हिज प्लीडर. थर्ड, टू प्लीड टू द चार्ज to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate. Means ki jo accused hai, he can plead guilty but he is not appearing before the magistrate. So what is the what will happen in this situation? Then if the accused person chooses to plead guilty without appearing before the magistrate, he is to transmit within the specified time the said plea in writing and the amount of fine mentioned in the summon. Then in that situation जो accused person होगा और he is choosing to you know plead guilty, तो उस situation में वो magistrate को एक specified time पे एक said जो plea है वो उस चीज़ को writing में he'll give and also the fine जो prescribed है उस summon में he'll also give that fine. Okay. Next, if the accused person chooses to appear by pleader and plead guilty through such pleader, he can. तो उस सिचुएशन में अगर जो अक्यूज पर्सन है ही चूजेस टू प्लीड गिल्टी बाय हिज प्लीडर, ठीक है, तो उस सिचुएशन में ही कैन डू सो बाय गिविंग सच अथॉरिटी टू द प्लीडर. वो अथॉरिटी देने के बाद ये ऐसा कर सकता है, बट वो जो अथॉरिटी दे रहा है द अक्यूज पर्सन, ही शुड गिव द अथॉरिटी इन राइटिंग एंड बाय पेइंग द फाइन थ्रू सच प्लीडर, और फाइन पे करने के बाद ही. द अमाउंट ऑफ फाइन टू बी स्पेसिफाइड इन द समन शैल नॉट बी यू नो 1,000 रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज आई सेड अर्लियर. एंड ऑल्सो द ऑफेंस मैंशन जो किया गया, वो ऑल्सो जो मजिस्ट्रेट है, वॉट एवर इन अदर सर्कमस्टांसिस ही थिंग्स दैट स्पेशल समन हैज़ टू बी पास्ड, देन ही कैन डू सो. ओके, okay, so moving towards the next section is section 207, which says supply to the accused of copy of police report and other documents. Means hum accused ko supply karenge jitni bhi copy supply karenge police report ki ya fir other documents ki. Kaun kaun se documents ki supply karte hai ye hum dekhte hain. Sabse pehle ki agar koi bhi case hai jo it has been instituted on a police report, to us circumstance mein ये सेक्शन बेसिकली बात करता है कि जब व्हेन इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट. ओके, तो इन दैट सिचुएशन मजिस्ट्रेट जो होगा ही विल विदाउट एनी डिले टू द अक्यूज विल सप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. किस किस चीज़ की कॉपी? यू कैन सी पुलिस रिपोर्ट,
FIR, first information report record, which is recorded under section 154. Also, the statement which are recorded under subsection 3 of section 161. The confession and the statement recorded under section 164. And all the other relevant documents, which has been extracted and forwarded to the magistrate with the police report under subsection 5 of section 173. So that is it. So moving towards the next section, which is of section 208, which says supply of copies to copies of a statement and documents to accused in other cases tribal by court of session. इस सिचुएशन में तब हम कॉपीज सप्लाई करेंगे अक्यूज को व्हेन इट इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन. ओके, जब कोई भी केस व्हेन इट इज इंस्टीट्यूटेड, जब वो इंस्टीट्यूट किया गया है अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट. उस सिचुएशन में क्या था 207 में, व्हेन इट इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट. 208 में हम पढ़ते हैं अदर देन अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है. इट अपीयर्स टू मजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस, और ये मजिस्ट्रेट को अपीयर होता है कि जो प्रोसेस इशू हुआ है वो ही हैज़ बीन सेटिस्फाइड द यू नो सेक्शन 204 को सेटिस्फाई हो चुका है. एंड उसको ये लगता है दैट दिस केस और दिस ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन. तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले फ्री ऑफ कॉस्ट विल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. व्हाट दो, दे आर बेसिकली थ्री थिंग्स. स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 एंड सेक्शन 202, द स्टेटमेंट एंड कन्फेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 और सेक्शन 164, या फिर कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट विच इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट. ओके, one more point should be noted here that it was given basically in the proviso of you know 208. isme ye kaha gaya ki agar magistrate is satisfied ki jo document hai wo kafi zyada voluminous hai, to in that situation wo instead of providing the accused you know copy of that document, wo he'll direct him ki ya fir wo usko allow karega ki either he can inspect it personally ya fir apne pleader ke through jo uske court mein plead kar raha hai uske through inspect kar sakta hai. So this is the situation when the document appears to be voluminous. Okay, so this is given in the proviso. Now moving forward to section 209, which says commitment of case to court of session when offense is exclusively triable by it. अगर जो केस है वो इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट, सो 207 में हमने पढ़ा पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किया गया है, 208 में हमने पढ़ा अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किया गया है, 209 में हम पढ़ेंगे वेयर जहाँ पे जो केस है वो इंस्टीट्यूट दोनों तरीके से किया गया है, या तो पुलिस रिपोर्ट से या फिर यू नो अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट. और मजिस्ट्रेट इट अपीयर्स टू बी टू द मजिस्ट्रेट कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है इट इज़ ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन. तो उस सिचुएशन में वॉट हिल डू, हिल नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उसको हिल नोटिफाई ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन. Also he'll send to that court the jitne bhi records honge us case ke ya fir documents ke ya article ke which are to be produced in evidence, us situation mein he'll provide, theek hai. Okay, so moving forward to section 210, which says procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the offence. इस situation में क्या होगा कि जब कोई भी case institute किया जा रहा है otherwise than a police report, okay, otherwise than a police report and it appears to the magistrate inquiry and trial के time पे that the same is being investigated and the same is in the progress by you know the police officer, then jo magistrate hoga he'll stop his trial or inquiry and he'll tell the police officer will call for a report. Okay, he'll call for a report on the matter from the police officer jo us investigation ko उसको उस पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है. सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट यू नो कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट. सो वी हैव कवर्ड फ्रॉम सेक्शन 204 टू 210 ऑफ चैप्टर 16 ऑफ चैप्टर 16. नाउ इन फर्दर थिंग्स विल सी अदर टॉपिक्स. सो एज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ.